नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला ब्रिस्बेन के गाबा के मैदान पर खेला जा रहा है। तीसरे दिन भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम के 6 विकेट जल्द ही गिर गए थे। जी हां, ऋषभ पंत के रूप में टीम का 6ठा विकेट 186 के स्कोर पर गिर गया था। टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी, लेकिन यहां से वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी ने कमाल कर दिया। जी हां, दोनों ने 7वें विकेट के लिए 123 रनों की साझेदारी कर कंगारुओं की हालत पस्ता कर दी। दोनों ने टी सेशन तक टीम इंडिया को कोई झटका लगने नहीं दिया और इसके बाद जब वो दोनों बल्लेबाजी करने के लिए आए तो अलग ही अंदाज में दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान शार्दुल ठाकुर ने एक बड़ा छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का पहला 50 भी जड़ा। आपको बता दें, पहली पारी में शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट भी निकाले थे और इसके बाद एक शानदार 50 जड़ा। थोड़ी देर के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने भी एक अर्धशतक जड़ा, लेकिन 115 गेंदों पर 67 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तब तक दोनों ने 7वें विकेट के लिए 123 रन जोड़ दिए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको बता दें, 309 के स्कोर पर शार्दुल ठाकुर के रूप में टीम इंडिया का 7वां विकेट गिरा। आपको बता दें, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए थे। तीसरे दिन टीम इंडिया के लिए पुजारा और रहाणे ने शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही पुजारा जॉस हेजलवुड का शिकार हुए और उसके बाद मिचेल स्टार्क ने जिनके रहाणे को चलता कर दिया था। लंच के बाद मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत को हेजलवुड ने आउट कर टीम इंडिया को 2 और बड़े झटके देकर पूरी तरीके से बैकफुट में धकेल दिया था, लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी ने वापस से टीम इंडिया को पटरी पर ला दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।